فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارک اسراء کی نویں آیت گزشتہ شب بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس وقت بھی اسی آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. نسبتاً قرآن مجید کی مشہور آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، اور اس کا پیام بہت واضح ہے. ارشاد الہی انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک بے شبہ بلا ریب حق یہ ہے کہ قرآن، یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ بشارت دیتا ہے ان مؤمنین کو جو عمل صالح بجا لانے والے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب دیکھیے، ظاہری مضمون آیت کا آپ کے سامنے عرض کیا میں نے، لیکن جو لوگ علمی تفکر کا مزاج رکھتے ہیں، یعنی علمی تفکر کہتے کسے ہیں؟ کون سمجھائے گا کہ علمی تفکر کیا ہوتا ہے؟ تفکر یعنی سوچ، سوچنا، سوچنے کا عمل، یہ انسانی ذہن کا پروسیس. آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ سوتے بھی ہیں تو آپ کا بدن سوتا ہے، ذہن کبھی نہیں سوتا. آپ کا ذہن، آپ کی روح، آپ کا قلب کبھی نہیں سوتا. اب آپ کہیں گے یہ روزانہ ایک نئی بات ایسی کہتے ہیں جس پہ بحث ضرور ہو. تو بھائی آئے کس لیے ہیں؟
अल्लाह आपको सुलाने के लिए आए हैं। बहस तो होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए और हर बात पे गुफ्तगू होनी चाहिए, मगर गुफ्तगू होनी चाहिए। इल्मी मिजाज के साथ और दीनी तहजीब के साथ। इल्मी मिजाज के साथ और दीनी तहजीब के साथ, तहजीब विलायत के साथ, तहजीब मवद्दत के साथ, तहजीब मोहब्बत के साथ। हम मोहब्बत तकसीम करने के लिए भेजे गए हैं, नफ़रतें पैदा करने के लिए नहीं भेजे गए। तो अब ये बात मैंने जो अर्ज़ कर दी कि आप जब सोते भी हैं, ये एक फितरी अमल है, ये भी लुत्फ़ हक़ है। जिस तरह बेदारी एक लुत्फ़ परवरदिगार है, उसी तरह नींद एक लुत्फ़ परवरदिगार है। जिस तरह ज़िंदगी एक लुत्फ़ परवरदिगार है, उसी तरह मौत एक लुत्फ़ परवरदिगार है। और हमारे यहाँ तो ये नींद जो तारी होती है जिस्म पर, इससे आपका कल्ब नहीं सोता। और एक जो अब इस मौजू पे, ये थोड़ी है, ये तो यूं ही अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपका कल्ब सो जाए तो आप ख्वाब कैसे देखेंगे? ख्वाब देखते हैं या नहीं? ख्वाब किन आँखों से देखते हैं? इन आँखों से। कभी सोचा है? ख्वाब देखते हैं ना, मगर ये आँखें तो बंद होती हैं, तो देखते कैसे हैं? वाज़े है। अब इस बहस को अभी नहीं छेड़ूंगा, ये तो बीज बो रहा हूँ आपके सोचने के लिए। एक एक बात ऐसी कहने की कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद जवाब तलाश करें, जस्तजू करें, सोचें, सिर्फ सुनने के आदि ना हो। सिर्फ सुनने के आदि ना हो। हम किस कतारो शुमार में हैं? हक सुबहानहु व तआला ने आयतें उतारी और ये कह कह के उतारी। सोचो, अक्ल से काम लो, तदब्बुर से काम लो। यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला भी ये नहीं चाहता कि उसकी बात बस आंख बंद करके कबूल कर ली जाए। वो इंसान के मकाम बंदगी के खिलाफ है। इंसान की शान बंदगी ये है कि सोच समझ कर अपने इरादे और इख्तियार से बंदगी करे। वाज़े है, वरना वो मालिक मुख्तार है, वो खालिक मुताल है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो कादिर है, वो रब है, वो हई है, वो कयूम है, वहीं से आए हैं, वहीं पलट के जाना है। हर तरह का इख्तियार उसके पास है, जबरूत उसके पास है, मलकूत उसके पास है, मुल्क ता मलकूत उसकी मुतलक हुकूमत और हुक्मरानी है। उसके बावजूद वो ये कहता है कि गौर तो करो। कितनी आयतें कुरान मजीद में हैं जो कहती हैं गौर तो करो। और मैं आपने कभी, यानी यहाँ पर एक जुमला फिर अर्ज़ कर दूँ, और ये एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी का जुमला है, आपने नाम सुना होगा, अबू अली इब्ने सीना, हकीम इब्ने सीना,
वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वो एवेसिना के नाम से बहुत मशहूर हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। क़ुरान और अहले बैत की रियाजत के नतीजे में जो इस्लामी सकाफत वजूद में आई थी, उस सकाफत के बेहतरीन नतायज में से एक नतीजा है जिसका नाम है इब्ने सीना। कल भी मैंने अफलातून को याद दिलाया था, आज इब्ने सीना का तस्करा कर रहा हूँ। इसका मकसद ये थोड़ी है कि आप हजरात कुरान और हदीस से रूगर्दा हो जाएं, इसका मकसद यह है कि आपका जहन इतना बालिग हो जाए कि अकली और मंतकी और कलामी इस्तेदलाल के साथ कुरान और हदीस को समझ सकें और दुनिया को समझा सकें। या आखिर हौज़ाए इल्मिया में इल्म मंतक क्यों पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है या नहीं? लॉजिक। और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा ज़खीम किताब लॉजिक पर इल्म मंतक में हौज़ाए इल्मिया में पढ़ाई जाती है। कोई मुज्तहिद यूं ही नहीं मुज्तहिद बनता। कोई फ़कीह यूं ही नहीं फ़कीह बनता। कोई सच्चा बालिग नज़र आलिम दीन यूं ही आलिम दीन नहीं बनता। इबारतों को रट लेने से आलिम नहीं बनता, इबारतों को समझने से आलिम बनता। मालूम हुआ कि टर्मिनोलॉजीज रट ली हैं, और टर्मिनोलॉजीज में जो बात कही गई है वो रिज़्क़े रूह नहीं बनी। जवानों, अजीज़ों, बच्चों, ज़रा ये छोटी छोटी मिसालों पर गौर करना कि इंसान की ग़िज़ा क्या है। यकीन है अधूरा जवाब दोगे। इंसान की ग़िज़ा क्या है? इंसान बहैसियत इंसान उसकी ग़िज़ा क्या है? रूह है इंसानी की ग़िज़ा, इल्म है। लेकिन अब मशहूर क्या है? यही खाना, रोटी। ये तो आपके बदन की खुराक है। ये आपके बदन की खुराक है। ये जिस्म मादी है तो इसकी खुराक भी ज़मीन से पैदा होती है, उगती है। आपकी रूह आसमानी है तो उसकी ग़िज़ा भी आसमान से नाज़िल होती है। ये जिस्म, ये बदन खाकी है ना, ये मादे का बना हुआ है, तो इसकी ग़िज़ा भी कहाँ से उगती है? ज़मीन से। लेकिन आपकी रूह ज़मीन से नहीं उगी है। रूह है एब्स्ट्रैक्ट, रूह है नूरानी, रूह है मुजर्रद, रूह आसमानी हकीकत है। तो इस रूह की ग़िज़ा भी आसमान से नाजिल होती है। इसीलिए इल्म का शजर ज़मीन से नहीं उगता। और ये जितने हुक्म आए, सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, पाइथागोरस हों, ये जितने हैं आपको मालूम है इनका इल्मी शजरा कहाँ तक पहुँचता है? नबीउल्लाह इदरीस अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के शागिर्द हैं। यानी अगर वही इलाही ने हिकमत का आब हयात पिलाया ना होता तो ये खाक के कासे प्यासे रह जाते। ये जो हुकमा हैं, ये जो फिलोसोफर्स हैं, इनके पास कहाँ से इल्म आ गया? ये भी तरश्यो है, ये नूर नबुवत है जो इन तक पहुँचा है। अम्बिया इलाही की रियाजत है जो इन तक पहुँची है। नबी इदरीस ने दर्स दिया, कुछ शागिर्द परवान चढ़ाए, उनके शागिर्दों के शागिर्द, उनके शागिर्दों के शागिर्द। जाहिर है कि उनमें फिर फहम जिसका जितना था उस एतबार से उसने बात आगे बढ़ाई। तो हुकमा का कौल हुज्जत नहीं होता, नबी का कौल हुज्जत होता है, इमाम का कौल हुज्जत होता है,
किसी फ़लसफ़ी का कौल हुज्जत नहीं होता, लेकिन ये कौल हुज्जत को समझने में मदद ज़रूर करता है। इसलिए सुनो, दर्स लेके जाओ, सबक लेके जाओ, पैगाम लेके जाओ। अरिस्टोटल को भी पढ़ो, प्लेटो को भी पढ़ो, सोक्रेटिस को भी पढ़ो, पाइथागोरस को भी पढ़ो, न्यूटन को भी पढ़ो, आइंस्टाइन को भी पढ़ो, सबको पढ़ो। पढ़ने का दरवाज़ा बंद ना करो। इल्म से वो डरते हैं जिनके दीन की बुनियाद खोखली हो। बुजुर्गों से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर ये मेरे सामने जो नौनिहाल बैठे हैं, ये बच्चे, ये नौजवान, मैं इनसे अर्ज कर रहा हूँ कि जितने उलूम हैं, जितने उलूम हैं, वो सब मीरास नबुवत हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे स्पेस ज्योमेट्री हो, स्पेस ज्योमेट्री की बुनियाद तो उसी वक्त पड़ गई थी जब हमारे मौला ने कहा था, पूछ लो मुझसे, पूछ लो, मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से ज्यादा जानता हूं। ये जुमले किसने कहे थे? पूछ लो मुझसे, पूछ लो, कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो, कबल इसके कि मुझे खो दो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रह जाऊँ, पूछ लो मुझसे, मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से। अगर इस जुमले पर तवज्जो की होती तो चांद पर पहला नक्शे कदम आपका होता। और देखो, जब भी कोई कौम बेदार हो जाए, आज इस वक्त रूए जमीन पर एक मिसाल मौजूद है, एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां अजान में अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहा जाता है, और वहां के जवान दुनिया की सुपर ताकतों से आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त एक ही मुल्क है ना जहां आजादी से अशहदु अन्ना अली अन वलीउल्लाह कहा जाता है कानूनी तौर पर। आ गई, इनकलाब आ गया, और इनकलाब की बुनियाद किस तकरीर से पड़ी थी? वो तकरीर जो रोजे आशूर की गई थी। समझे आज़ादारी की सच्ची रूह क्या है? एक जुमला याद रखना, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, आज़ादारों, आज़ादारी हमारा रूह का वजीफा है। जो आज़ादार नहीं है, जो गमे इमाम हुसैन महसूस नहीं करता दिल से, वो इंसान ही नहीं है, और ईमान के दर्जे पे तो फायज हो ही नहीं सकता। इस्लाम और ईमान से दूर है, लेकिन
हमारी और आपकी आज़ादारी का तकाजा क्या है। अब एक दर्द दिल है, मैं सोच रहा था बाद में किसी रोज़ कहूँगा, अब आज ही ज़बान पे बात आ रही है तो कह दूँ। हम लोग नाजा हैं, फ़ख्र करते हैं कि हम आज़ादार हैं, शुक्र है कि हम आज़ादार हैं, मगर हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं या नहीं, कुछ वजीफ़े हैं या नहीं। खुदा की कसम, मैं आका हुसैन के एक नौकर की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क तक पूरी दुनिया का तकरीबन सफ़र कर चुका हूँ और करता ही रहता हूँ। एक दर्द दिल आपके साथ कर रहा हूँ, मिल्लत इस्लामिया के साथ, आपके साथ। आका हुसैन सिर्फ शियों के थोड़ी हैं, खुदा की कसम हर सच्चा मुसलमान हुसैन को अपना रहबर मानता है। और मुसलमान ही नहीं, अगर इंसान के पास बेदारी हो तो हर वो इंसान जिस तक आका हुसैन का नाम और पयाम पहुंच जाता है वो हुसैन के अलावा किसी को रहबर नहीं मानता। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के हिंदू शुआरा ने, कितने शुआरा ने इमाम हुसैन के नौहे मरसी और सलाम लिखे हैं मालूम है आपको? कितने? 10, 20, 100, 150। मेरे पास फहरिस्त मौजूद है जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा, कितने? 600 से ज़्यादा इस मुल्क के हिंदुस्तान के हिंदू शुआरा ने, हिंदू कवियों ने, हिंदू पोइट्स ने इमाम हुसैन की शान में खराज अकीदत पेश किया है। रस्मन नहीं, दिल की गहराइयों के साथ। और इसीलिए मैं एक बात हिंदुस्तानी होने की हैसियत से फख्र से कहता हूं, दोनों मुल्कों में, हिजाज के मुशरिकों में और हिंदुस्तान के मुशरिकों में एक बड़ा फर्क है। हिजाज के मुशरिक वो थे जब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जहूर हुआ है मनसए तारीख पर, तारीख के सफहात पर जब हुजूर का जहूर हुआ, जब मबूस हुए, तो वो क्या करते थे? रास्तों में कांटे बिछाते थे, पत्थर फेंकते थे, तारीख है ना। और ये हिंदुस्तान के मुशरिक हैं जो हुजूर की शान में नाते कहते हैं। नात कहते हैं या नहीं? आपने ये दो मिसरे सुने होंगे, बहुत मशहूर हैं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब का ये बैत है जहाँ उन्होंने कहा है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। किसका शेर है? गुरु नानक की नस्ल से थे, बाकायदा उनका शजरा महफूज है। और उन्होंने इस फ़कीर को ज़ाती तौर पर भी पूरा मुसद्दस सुनाया था और कई जगह उन्होंने सुनाया है, आप हजरात तक पहुँच चुका होगा। आका हुसैन की शान में भी उन्होंने कहा है, मौला अली की शान में कहा है, और ये भी कहा है, याद रखिए, एक अजीब व गरीब बात कही उन्होंने। दो बैतें और सुना ही दूँ उनकी, इसलिए कि शेर की खसूसियत ये होती है कि घंटों की तकरीरें दो मिसरों में सिमट आती हैं, ये खसूसियत होती। तो मैं अर्ज़ करूं कि वो कह गए हैं, एक तो इस्लाम के ताल्लुक से, आप मुसलमान हैं और समझते हैं इस्लाम आपका है, और आप उन्हें समझते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, यही ना। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा इस्लाम निको नाम है, बदनाम नहीं। मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम, कौन कह रहा है? बेदी साहब। मेरा इस्लाम नेको नाम है, बदनाम नहीं, बात इतनी है कि अब आम ये इस्लाम नहीं।
واضح ہے. اس کے پہلے جو چار مصرے ہیں وہ پورا مسدس تو نہیں پڑھنا ہے مجھے, شاعری تو نہیں سنانی ہے آپ کو. اس کے بعد ایک اور مقام پہ وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ, وہ کہہ گئے ہیں ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تم کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے. اب غور فرمائیے ان معروضات کے بعد کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ آقا حسین کو, مولا علی کو, ان کی شہادت اور ان کا غم اور ان کی ولایت اور ان کا عشق, اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کے دین و مذہب کو اپنی جاگیر نہ بنائیں, خود کو ان معصوموں کی جاگیر بنائیں, خود کو ان کے اختیار میں دے دیں اور ان کا فیضان تمام عالم انسانی تک پہنچانے کی کوشش کریں. عزاداروں, جوانوں, عزیزوں, ایک عہد کر کے اٹھنا آج, ایک عہد, ایک کمٹمنٹ اپنے نفس کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ میں نے کیوں کہا تھا کہ میں آسٹریلیا سے امریکہ تک سفر کرتا ہوں اور ایک درد ہے جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہم بہت مجلسیں کرتے ہیں, بہت عزاداریاں کرتے ہیں, بہت جلوس عزا برآمد کرتے ہیں, اور جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے آقا حسین کے لیے, کچھ نہیں. ہمارا پورا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ان پر نثار ہو جائے, تب بھی آقا حسین کی سواری کے گھوڑے کی نعل پر نثار ہونے کے لائق نہیں ہے. آقا حسین کا رتبہ تو بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. وہ غالب کہہ گئے ہیں اپنے سلام میں کہ بہت ہے پایائے گردے رہے حسین بلند. غالب, بہت ہے پایائے گردے رہے حسین بلند, بہت ہے پایائے گردے رہے حسین بلند, گردے رہے حسین بلند, بقدر ظرف ہے گر کیمیاں کہیں اس کو. آقا حسین کا رتبہ بہت بلند ہے. وہ جس راستے سے گزر جائیں اور ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو خاک اڑے, اس کا رتبہ بھی بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے, ایک عہد یہ کرنا ہے. خدا کی قسم, اب بھی روئے زمین پر بہت سے وہ افراد ہیں جو آقا حسین سے آشنا نہیں ہیں, شناسا نہیں ہیں, واقف نہیں ہیں. آپ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, کسی کالج میں چلے جائیں, ٹین ایجر سے پوچھ لیجئے کہ حسین ابن علی سے واقف ہو, وہ کہیں گے نہیں, ہم نہیں جانتے حسین کو. اور چونکہ ظاہری طور پر جو اخبار وغیرہ میں نام آتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے آتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کا حوالہ دیں گے آپ ان کا نام بھی سننا نہیں چاہیں گے. یہاں پر ہم جیسے افراد, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے, ایسی پلاننگ کرنا چاہیے, ایسا منصوبہ تیار کرنا چاہیے, ایسا پروگرام تیار کرنا چاہیے کہ روئے زمین پر, اس کرۂ عرض پر کوئی ایک بھی بالغ بچہ ایسا نہ ہو جو حسین کے نام اور پیام سے آشنا نہ ہو. جب بھی کہیں پوچھا جائے تم جانتے ہو حسین کون تھے, فوراً کہ ہاں ہم جانتے ہیں حسین کون تھے. حسین وہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے اور امن اور عدالت کی راہ میں شہید ہوئے. حسین وہ تھے جو دنیا میں تمام انسانوں کے لیے امن اور عدالت کا نظام چاہتے تھے. حسین وہ ہیں جو مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے. جب لفظ حسین, نام گرامی حسین ابن علی کسی کے سامنے آئے تو وہ فوراً کہے ہاں ہم جانتے ہیں. یہ درد ہے جو شیئر کر رہا ہوں. آپ اپنے محدود حلقے میں سمجھتے ہیں آپ نے بہت خدمت کر لی آقا کی, کچھ بھی خدمت نہیں کی, کچھ بھی خدمت نہ ہو سکی آج تک. ذرا تلخ بات ضرور ہے مگر بات ہے حقیقت جو عرض کر رہا ہوں.
एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद पर। मैं एक मिसाल अर्ज़ करूं, मिसाल ज़रा शायद सियासी हो जाए, सियासत मेरा मैदान नहीं है, मगर मिसाल दे रहा हूं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स एक नई सियासी पार्टी बनाए, तो वो एक टारगेट मुअय्यन करता है, एक हद मुअय्यन करता है कि मुझे 3 महीने में इतने नए मेंबर बनाने हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, मुझे 1 साल में इतने लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाना है, अपना प्रोग्राम पहुंचाना है, बताना है कि हमने किस लिए पार्टी बनाई है, हम क्या चाहते हैं इंसानों के लिए। होता है या नहीं? आपने कभी ये तय किया कि इस मुहर्रम से आने वाले मुहर्रम तक हमें कितने नए लोगों को बताना है कि हुसैन कौन थे? और फरमा रहे हैं जो वाकिफ नहीं है आका हुसैन से, उन तक कौन पैगाम पहुंचाएगा, किस लहजे में पहुंचाएगा, किस उसलूब में पहुंचाएगा, कौन ये काम करेगा? ये काम करना है या नहीं? ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक, चीन से साउथ अफ्रीका तक कितने इंसान हैं अभी जो इस पैकरे नूर से आशना नहीं है? कोई मंसूबा बंदी है आपके पास? और अगर नहीं आए तो किसी ऐसे रहबर की तलाश कीजिए कि जिसकी रहबरी में ये मंसूबा तैयार हो सके। अगर हम में से हर एक रहबर बन गया तो बहुत मुश्किल होगी, किसी एक रहबर की रहबरी में ये आज़ादारों का कारवां आगे बढ़ेगा। पैगाम हुसैन इब्न अली, नाम गिरामी हुसैन इब्न अली, सीने पर हाथ हो, आंखों में आंसू हो, दिल में सच्चा गम हो, फिदा हो जाने का जज्बा हो, ये जज्बा हो कि परवरदिगार बिस्तर पर एड़ियां रगड़ के मौत ना आए, जब भी मौत आए तो आका हुसैन की राह में शहादत की मौत आए। इस जज्बे के साथ, इस नीयत के साथ, मगर कदम उस राह में आगे बढ़े कि हमें हर इंसान को बताना है हुसैन कौन थे, हर फर्द तक बात पहुंच जाए हुसैन कौन थे, हुसैन का पयाम क्या था। कभी सोचा है आपने कि हमें इस तरह से मंसूबा बंदी करनी चाहिए? मैं एक आम बात कह रहा हूं भाई, बहुत बातें बुरी लगेंगी, भली लगेंगी, लगने दीजिए, मैं तो यहां हाजिर हुआ हूं। फर्ज कीजिए मैं कोई अंजुमन बनाऊं, अंजुमन, मातमी अंजुमन, साल भर के अंदर इंशाल्लाह उसमें, माशाल्लाह उसमें इलेक्शन का झगड़ा होगा, और ये होगा कि इन्होंने अंजुमन तो बना दी, बस ठीक है बन गई, अब साल भर हो गया तो इन्हें अलग कीजिए इससे, अब नया प्रेसिडेंट होना चाहिए, नया नौहा खान होना चाहिए, नया हलका वगैरह वगैरह, कोई वक्फ हो तो नया मुतवल्ली होना चाहिए, कोई इदारा हो तो नया मैनेजर होना चाहिए, कोई मदरसा, वो इलेक्शन होगा, और उसके लिए कभी कभी ये होता है कि नए मेंबर बनाए जाते हैं। नए मेंबर किस लिए? आम बातें कर रहा हूँ, ये हर जगह है दुनिया में और हर कम्युनिटी में है, कोई ख़ास मौजू नहीं है मेरा। मैं यार कर रहा हूँ कि मेंबर बनाए जाते हैं किस लिए? ताकि ये मेंबर मैं बना रहा हूँ ये वक्त पर मुझे वोट दें, ताकि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ, मैं ट्रस्टी बन जाऊँ, वगैरह वगैरह। कभी इस नीयत से हमने मंसूबा बनाया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा बस एक हदफ है कि दुनिया में जितने लोग हुसैन अलैहिस्सलाम से वाकिफ नहीं हैं और उनके पयाम से वाकिफ नहीं हैं, उन तक हमें आका हुसैन का नाम पहुंचाना है, पयाम पहुंचाना है। ये काम कब होगा, कौन करेगा, किस तरह होगा, किस उसलूब से होगा, किस जबान में होगा, किस मंसूबा बंदी के साथ होगा? बस ये एक दर्द था जो अर्ज कर दिया मैंने, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कभी तन्हा बहुत देर देर तक रोता हूं कि हमने क्या खिदमत की आका की, आज तक क्या खिदमत की, क्या खिदमत की। अब जो कुछ कहना चाहता हूं वो नहीं कहूंगा, कुछ चीज़ें कह दी जाती हैं, कुछ चीज़ें बग़ैर कहे समझ ली जाती हैं, तो आप लोग सोचते रहिएगा।
اب ایک رخ اور تقریر میں، کل میں نے اس عزاداری اور اس تہذیب ولا، اس تہذیب مودت، اس تہذیب آل محمد کے ایک خاص رکن کی تعریف کسی حد تک کی تھی، اور وہ تھا کیا؟ ممبر. خدا کی قسم اس عزاداری میں ایک چیز اور ہے جس کی بڑی عظمت ہے، بڑی تاریخی حیثیت ہے، بڑی معنویت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو اس ممبر پہ لگا ہوا ہے علم. چند جملے آج اس علم کے لیے بھی عرض کر لو. خدا جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس علم کو اس شکل میں محفوظ رکھا ہے. اس مجمع میں تاریخی شعور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادبی ذوق، تہذیب شناس لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے یونیورسٹیز میں سوشیولوجی اور ہسٹری اور فلسفی آف ہسٹری اور ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہوگا. دیکھیے، تہذیب، ثقافت، کلچر، سویلائزیشن، اس کے پیچھے روح ہوتی ہے، معنویت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، علمی حقائق ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں کچھ علامتوں میں مجسم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ علامتوں میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کچھ پیکر ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن میں وہ نظریے، وہ حقیقتیں، وہ اسپرٹ مجسم ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ بھائی، وہ میرے سامنے تشریف فرما تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ علم کی شکل جو ہے یہ تو ہم نے مثلا غیروں سے لی ہے. میں نے کہا قبلہ کعبہ، آپ اس علم کی تاریخ سے اس کا مطلب واقف نہیں ہے. جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں اس تک، اس وقت تک لب پشائی نہ کیجیے. جب تک تحقیق نہ کر لیجیے لب پشائی نہ کیجیے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، تاریخ اور تہذیب اور ثقافت اور سماجیات کا شعور رکھنے والے یہ مطلب آج لے کر ہدیے کے طور پر جائیں گے. جس طرح کل میں نے ممبر کی عظمت کے متعلق عرض کیا تھا، یہ علم عظیم ایک میراث ہے، یہ بھی میراث اسلام ہے، یہ بھی میراث توحید ہے، یہ بھی میراث ختم نبوت ہے، یہ بھی میراث ولایت ہے. یہ علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سجایا تھا سب سے پہلی بار. حوالوں کے ساتھ گفتگو کروں گا. اگر آپ کوئی سیمینار منعقد کریں تو ریسرچ پیپر پڑھوں گا. اس وقت وقت کی محدودیت ہے، تو جو باتیں عرض کر رہا ہوں بھروسہ کر کے قبول کرتے ہوئے چلے جائیں، اور جہاں سوال پیدا ہو سوال ضرور کیجیے گا، حوالہ چاہیے ہو حوالہ ضرور دریافت کر لیجیے گا. اس عالم کی عظیم تاریخ اور خاص طور سے اس کی یہ شکل. دنیا میں آج کتنی کنٹریز ہیں؟ میں تو نیو یارک بھی گیا ہوں، تو میں نے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں بھی جا کر ایک خاص ضرورت سے اس کی لائبریری میں کچھ دیر بیٹھ کے اسٹڈی کی تھی ایک خاص کیس کی، اور وہاں دیکھا کہ بلڈنگ کے سامنے کتنے پرچم لہرا رہے ہیں. ہر پرچم کیا ہوتا ہے؟ ایک اس میں ایک پرچم نصب کرنے کے لیے ایک علم کی چھڑ ہوتی ہے گویا عام زبان میں، اور ایک اس میں پھرہرا ہوتا ہے. بہت عام زبان میں عرض کر رہا ہوں، وہ پھرہرا وہ ہوتا ہے جو ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں سب کا پرچم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جدھر ہوا چل رہی ہو ادھر مڑ جاتا ہے. یہ جو خاص پرچم ہے یہ اس طرح ہوتا ہے، ہوا آ کے ٹکرائے تو بکھر جائے. یہ تنہا عالم ہے جو ہوا کے رخ کو موڑتا
करता है, खुद हवा के रुख पर नहीं मुड़ता। बच्चों, जवानों जो हाई स्कूल पास करते हैं बल्कि उससे भी पहले, तो वो सिविक्स वगैरह की क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में दुनिया के बड़े बड़े परचम भी और पहचानवाया जाता है, ये रंग और ये शक्ल और ये फलां कंट्री का। और भाई जनरल नॉलेज के बहुत से पेपर्स होते हैं जो लोग IAS IPS ये कॉम्पिटिशन बैठते हैं, यानी छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक हर जगह दुनिया के परचमों की शनाख्त भी कराई जाती है, है ना। जितने परचम हैं उनके जितने भी नक्शे हों, मगर सबकी एक खसूसियत है, मैदान में गाड़ दो तो हवा के रुख पर मुड़ जाएंगे। ये वाहिद परचम है कि सामने लेके खड़े हो जाओ तो हवा टकरा के बिखर जाएगी, ये हवा के रुख पर नहीं मुड़ेगा। ये नक्शा बनाया किसने, फिर कैसे बना, इसकी तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, है कुछ सबूत, या यूं ही अर्ज कर रहा हूं। पहले तो एक विजदानी बात है जो सामने नजर आ रही है, उस पर गौर कीजिए। क्या बात है, इसकी शबीह किसी कंट्री का कोई परचम है, कोई फ्लैग है? क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और वो बात जो पहले अर्ज कर चुका हूं, वो हालांकि दोबारा अर्ज़ की जा सकती है, लेकिन मुझे उमूमन अपना जुमला भी दोहराने में बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ होता है, कोशिश करता हूँ ना दोहराऊँ, लेकिन अब अर्ज़ कर रहा हूँ, चूँकि इस मजमे में नहीं अर्ज़ किया था, कहीं और अर्ज़ किया था कि एक तो ये इस परचम की खसूसियत है, किसी कंट्री का कोई परचम आप किसी दूसरी कंट्री में उठा सकते हैं? भाई हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बहुत दोस्ती है, अब वो मुस्लिम कंट्री है और ये गैर मुस्लिम कंट्री समझी जाती है, मगर आप बांग्लादेश का परचम अपने मुल्क में और अपने मुल्क का परचम बांग्लादेश में अपने घर पे लगा सकते हैं आज़ादी से? दोनों मुल्कों में दोस्ती है, मगर वो फौरन आ जाएंगे, ये क्या तमाशा है? आप क्या वो बांग्लादेश वाले पूछेंगे भारत से आपका क्या ताल्लुक़ है, भारत वाले पूछेंगे बांग्लादेश से आपका क्या ताल्लुक़ है, या आपने अपने घर पे किस लिए परचम लगा रखा है? किसी भी मुल्क का परचम बगैर इजाज़त, बगैर सियासी ज़रूरत के, बगैर कानूनी जवाज़ के कोई नहीं उठा सकता। खुदा की कसम ये विलायत हुसैन है, पूरी दुनिया में जहाँ चाहो आलम हुसैनी बुलंद कर लो। हुसैन जाने रिसालत मौत जिंदाबाद, और खुदा की देन खुदा की किताब जिंदाबाद, और अजल से लेके अबद तक नबी का लाल तेरा हुआ है और ना होगा जवाब जिंदाबाद। मलक हुसैन की चौखट पे सर झुकाए हैं, पर इंकलाब पर से इंकलाब जिंदाबाद। हुसैन जाने रिसालत मार जिंदाबाद, हबीब ने वो पाए जंग आस्तियों की, पलट के आ गया फिर से शबाब जिंदाबाद। हुसैन जाने रिसालत मार जिंदाबाद। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये आलम, इसकी एक तारीख है, एक मानवियत है,
ये हमारी एक अजीम इस्लामी रूहानी मानवी सकाफती मीरास की अजीम अलामत है। और खुदा का शुक्र है, मुझे नाज है आप पर, रजादारों पर। मैंने वो मंजर देखे हैं कि बम ब्लास्ट हुआ, अलम उठाने वाले रेशा रेशा होकर बिखर गए, मगर अलम को जमीन बोस नहीं होने दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने देखा है, मुशाहिदा किया है। तो इस अलम को पूरी कुव्वत और शजाअत और मारिफत के साथ इसकी हिफाजत करें, मिंबर की भी हिफाजत करें, आलम की। एक एक रोज इंशाअल्लाह एक एक जुज अज़ादारी का बयान करूंगा। कल मिंबर की गुफ्तगू थी, आज आलम। और चूंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है, इसलिए मजबूर हूं कि बयान को समेट लूं। लेकिन एक हवाला जरूरी है भाई, वाकई ये जस्तजू होती है कि ये कौन सी शक्ल है आलम की। दुनिया में हर परचम एक फरेरा लगा दिया, एक फरेरे की चढ़ाए और जहां चाहा नस्ब कर दिया। ये शक्ल आई कहां से, किसने बनाई ये शक्ल, क्यों बनाई? इसकी एक वजह है, बिल्कुल साइंटिफिक सकाफती तारीखी समाजी शऊर के साथ समझें। और मैंने उसको अपनी आंखों से किताब में भी पढ़ा है और म्यूजियम में भी देखा है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तहकीक के साथ। इस आलम को इस तरह डिज़ाइन किया गया था इसलिए कि अरबिस्तान में जहाँ रेत ज़्यादा होती थी और लोग घोड़े या नाकों पर सफ़र करते थे, तो कोशिश होती थी, ये छोटा सा नहीं होता था, बड़ा आलम होता था, कि इस तरह ये आलम आगे आगे रहे कि अगर रेत भी उड़ के आए, तन्हा हवा नहीं, तो वो रेत भी जानवरों की आंखों या चलने वालों की आंखों में न जाए और महफूज रहें ताकि समत सफ़र भूल न जाए, भटक न जाए। न हवा आकर रुख मोड़ सके, न आंखों में गर्द। और इस तरह इसको एक बड़ा सा आलम होता था। आलम के लिए अरबी जबान में कई अल्फाज हैं, आलम, लिवा, रायत, बंद, बैरक और बहुत से कलिमात हैं, सब अरबी जबान में मुस्तमल हैं। लेकिन तीन अल्फाज ऐसे हैं जो असील अरबी हैं, आलम, ऐन से आलम, अलिफ से आलम नहीं, आलम और रायत और लिवा। अब वक्त होता मेरे पास तो इन तीनों कलिमात की तारीख अर्ज करता और हदीस से शवाहिद पेश करता, लेकिन इन तीनों कलिमात में सब हदीस में आए हैं, लेकिन एक कलिमा खास तौर पर, और वो है रायत। रायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक खास मौके पर इरशाद फरमाया जब लोग खुद से परचम ले लेकर कई बार गए और नाकाम पलट के वापस आए, तो एक दिन हुजूर उठे और उन्होंने फरमाया लाउकियन्नर रायता गदन रजुलन कर्रारन, कल मैं उस शख्स को अलम दूंगा, रायत दूंगा, जो बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। यहां लफ्ज़े रायत इस्तेमाल हुआ, पूरी हदीस पढ़ूंगा और तर्जमा करूंगा और तशरीह करूंगा, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि कलिमा पैगंबर जबान पर आ जाए और फिर मेरा लुआब दहन शीरी ना हो। और जब लुआब दहन शीरी हो जाता है तो फिर उसकी लज्जत मजबूर करती है कि कुछ देर तक उस पर गुफ्तगू की जाए और उस लज्जत में आपको शरीक किया जाए। तो इसलिए हदीस को रोक रहा हूं वक्त की मजबूरी से। फरमाया कल मैं उसको परचम दूंगा, आलम दूंगा, रायत दूंगा, जो बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। और वो हदीस का ततिमा आप सबके जहनों में है। और इसी रिवायत की बुनियाद पर हमारे उर्दू के एक मशहूर मारूफ शायर ने शेर कहा है, परवरदिगार उनको रिज़्क़ सुखन अरज़ानी फरमाए,
मशहूर शायर हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, उन्होंने फरमाया है परवरदिगार उनको सेहत और सलामती से देर तक ता देर मद्दाहिए अहले बैत का शरफ अता फरमाए। कहते हैं कि अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में वो दिन और आज का दिन, अब अलम हमारा है। जज़ाकुम अल्लाह खैर अल जज़ा, परवरदिगार आपके इन आवाज़ों को कबूल फरमाए और आपके सीनों में कुव्वत भर दे के हमेशा आपकी आवाज़ें बुलंद रहें, तमाम दुनिया के शोर व शगफ़ पर आपकी आवाज़ें छा जाएं। उन्होंने जब ये शेर पढ़ा और मेरी मौजूदगी में भी पढ़ा और मैंने उन्हीं के सामने फ़ौरन कहा, भाई ये तकल्लुफ़ किस लिए, ये किनाया किस लिए, आप ये क्यों कह रहे हैं अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में। वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना अरूज मुझे भी आता है, साफ साफ क्यों नहीं कहते अलम नबी ने अली को दिया था खैबर। आप क्यों कह रहे हैं अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, क्या तकिया है, साफ साफ कहिए अलम नबी ने अली को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन नब अलम हमारा है। तो इस अलम की एक अजमत है, इसीलिए मैं अर्ज करता हूं, तफसीली बयान समेट रहा हूं। ये आलम आलम तौहीद है, यही आलम आलम नबुवत है, यही आलम आलम नबुवत इमामत व विलायत है, यही आलम आलम कारवान शहादत भी है। बहुत कुछ अर्ज करना चाहता था आज, लेकिन बस अब वक्त के हदूद में गुफ्तगू को तमाम करना है, इसलिए इस आलम की एक खसूसियत और अर्ज करूँ, और वो ये है कि ये आलम है आलम तौहीद, है आलम इस्लाम, है आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये आलम है आलम अली मुर्तजा, लेकिन अब पूरी दुनिया में ये आलम आलम अब्बास कहलाता है। और उसकी एक वजह है, उसकी भी वजह है, बयान कर चुका हूँ, जिन हजरात ने न सुना होगा मेरा जुमला उनके लिए दोहरा रहा हूँ, उसकी एक वजह है, तारीखी वजह है, हकीकी वजह है, अजीम वजह है। कुरान और तारीख और हदीस गवाह है, अजीब जुमला कह रहा हूँ अजीजों, ये अलम खुद अली इब्ने अबी तालिब के हाथों में भी जब था तब भी एक बात जरूर थी, इस अलम के नीचे मोमिन भी थे मुनाफिक भी। मुस्लिम भी थे मुनाफिक भी थे, पैगंबर के दौर में भी, अली इब्ने अबी तालिब के दौर में, सिफीन में क्या हुआ, अली के आलम के नीचे से खवारिज निकले या नहीं, आलम अली का था मगर उसके नीचे खवारिज भी मौजूद थे जो बाद में जुदा हुए। तो एक तारीख है, हक पहुंचता है अब्बास को कि ये नाम अब्बास के साथ मंसूब रहे, जब ये आलम अब्बास के हाथ में आया है इस परचम के नीचे वो खालिस मजमा आया है। खुदा की कसम, जिसके ईमान की कसम खाई जा सकती है,
जिस मजमे के लिए आका हुसैन ने कहा था मुझे ऐसे असहाब मिले, ऐसे अंसार मिले, कि ऐसे असहाब व अंसार ना मेरे नाना को मिले ना मेरे बाबा को। अजरकुम अलल्लाह, गुफ्तगु खत्म हो गई। आज की गुफ्तगु तमाम की मैंने, आप समझे हकीकत आलम भी एक अजमत और अजीम तारीख रखती है और इस आलम का इंतसाब भी। क्यों हम आलम अब्बास कहते हैं? आलम तौहीद हम कहते हैं आलम अब्बास, है आलम नबुवत हम कहते हैं आलम अब्बास, है आलम इमामत हम कहते हैं आलम अब्बास। उसकी एक वजह है, एक हकीकत है, एक जिंदा तारीखी हकीकत है। बस ये आलम अब्बास के हाथ में कब आया पहली मरतबा? रोज़े आशूर तो आका ने दिया ही था, हज़रत अब्बास के हाथ में तो उसी वक्त आलम आ गया था जब मदीने से रुख किया था आपने मक्के की तरफ। पहली मुहर्रम है आज, कल मैं मदीने से रुखसत बयान नहीं कर सका। आका हुसैन इब्ने अली ने मदीने को कैसे रुखसत किया है? आका हुसैन जिनके जहनों में जस्तजू बेदार है ना, वो बात अधूरी रह गई, अब कल मुकम्मल करूँगा कि जिनके यहाँ इल्मी तफक्कुर होता है वो हर बात पे सोचते हैं, तज्जिया करते हैं, एनालाइज करते हैं, तहकीक करते हैं, वो बात अधूरी रह गई, कल इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन खुदा की कसम, चूँकि हम लोगों ने एक ख़ास अंदाज से, एक ख़ास महदूद अंदाज से बयान करना शुरू किया या हम तक वो बयान पहुँचा, तो इसलिए कुछ चीज़ें हम तक पहुँची और बहुत सी चीज़ें अभी नहीं पहुँची हैं। बहुत से हकायक हैं तारीख़ के जो अभी सामने नहीं आए, जिसमें रसूल और आबे रसूल की अजमतें हैं, जिसमें आपा हुसैन इब्न अली की अजमतें हैं, बहुत से गोशे अभी हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हमने बयान का हक अदा कर दिया, हमने मद्दाही का हक अदा कर दिया, हमने मरसिए का हक अदा कर दिया, एक दूसरे पर तकसीर और मुकसर होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। सुने ये मेरा जुमला याद रखें, इस पूरे रूए ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं है जो आले मोहम्मद का हक अदा कर सके, या कासिर हैं या मुकसर, सब के सब या इल्म मारिफत के लिहाज से कासिर हैं या अमल के मैदान में मुकसर हैं। किससे हक इताअत अदा हो सकता है? कौन कह सकता है हमने हक इताअत अदा कर दिया? या कासिर हैं या मुकसर सब, मैं अपनी जात को शामिल करके कह रहा हूं, कौन है कि जो इल्मी एतबार से, मारिफत के एतबार से कुन है मारिफत अहले बैत तक पहुंच सकता है? कासिर है, कासिर। और कौन है जो उनका हक अदा कर सकता है? इसलिए मुकसर है, सब मुकसर है। हम सब पर तौबा लाजिम है, हम सब पर कोशिश लाजिम है कि उनकी मारिफत हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहें और इताअत की राह में जद्दोजहद और कोशिश करते रहें, सब पर लाजिम है। कोई अपनी फिक्र पर, अपने अमल पर नाजा ना हो। तो बहुत से ऐसे हकायक हैं जो तारीख़ के मुतून में बैन सतूर या सतूर में अभी पोशीदा हैं और बयान नहीं हुए। ये बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन बस अर्ज़ कर रहा हूँ जो कल भी अर्ज़ कहते हैं, आका हुसैन को दुनिया पहचानती थी। और जब आप मदीने से रुखसत हुए हैं तो कोई बहुत खामोशी से रुखसत नहीं हुए हैं, सबके सामने रुखसत हुए हैं। और जब रुखसत हुए हैं तो एक ख़ास एहतमाम से रुखसत हुए हैं, सवारियाँ, घोड़े, नाके, कनीज़ें, ग़ुलाम, बनी हाशिम के जवान सब साथ में थे। अब वक्त नहीं है कि मैं पूरी मंज़र निगारी कर सकूं, सिर्फ एक मंज़र अर्ज़ कर दूं ताकि आज माल मजलिस हासिल हो जाए। आका जब रुखसत हुए हैं
तो आप सुनते आए हैं ये बात कि आपने जनाब उम्मे सलमा को रुखसत किया और आपने अपनी एक बेटी जो बीमार थी उसे भी रुखसत किया। तारीखी बहस के दरवाजे खुले हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया गौर कीजिए, तहकीक कीजिए, फ़िक्र कीजिए, मगर ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसूल दीन या फ़ुरू दीन में कोई ख़लल पड़ता हो। तारीखी मसला है, तारीखी मसला है। कुछ लोग कहते हैं और उसमें आका की एक अलम अंगेज़ कैफियत सामने आती है, एक मुसीबत सामने आती है, हमारी आँखों से आंसू बहते हैं, इसलिए मैं इशारा करता हूँ, गिरिया करता हूँ ख़ुद भी और आपको गिरिया करने की दावत देता हूँ। कहते हैं आका की एक बेटी थी, आका हुसैन की कितनी बेटियाँ थीं, कितने बेटे थे, ये एक तहकीक का मौजू है तारीख वालों के लिए, ये बहस अभी नहीं छेड़ूँगा। कोई कहता है कि दो बेटियाँ थीं, चार बेटे थे, कोई कहता है छः बेटे थे, चार बेटियाँ थीं, कितने अकवाल हैं वो किताबों में हैं, वो रिसर्च का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये उसूल दीन और फ़ुरू दीन का कोई मसला नहीं है, मगर जो हम सुनते आए हैं उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है जिससे इमामत की शान पर कोई हर्फ आता हो, बल्कि आपकी मुसीबत सामने आती है। कहते हैं एक बेटी थी बीमार, उसे भी रुखसत किया, रुखसत किया, कारवां आगे बढ़ा, वो बेटी है ये बाप, इमाम है मगर बाप भी तो हैं, सीने में बाप का दिल है ना, और सिर्फ बाप नहीं है, कारवां में जाने वाली फूफी है, माँ है, बहन है, पूरा ख़ानदान जा रहा है, ख़ानदान का हर फर्द पलट पलट के घर के दरवाजे को देख रहा है और घर के दरवाजे पे डेहड़ी पे वो बीमार बेटी हसरत की निगाहों से जाने वाले कारवां को देख रही थी। मर्तबा बच्ची से रहा न गया, लड़खड़ाते हुए कदमों से देहड़ी से बाहर आ गई, हुसैन ने कारवां रोक दिया, ठहर जाओ, रुक जाओ, एक बार फिर बेटी को सीने से लगा लें, एक बार फिर खुदा हाफिज कर लें। आका रुके, कारवां रुका, बेटी आगे बढ़ी, एक एक से रुखसत हुई, एक एक से रुखसत हुई। और कहते हैं कि जब जनाबे बीबी रबाब के पास आई तो जनाब फातिमा सोहरा ने बीबी रबाब को रुखसत किया, गोद में 6 महीने का बच्चा था, बच्चे को प्यार किया, बाहें फैलाई, बच्चा हुमक के बहन की आगोश में आ गया। चाहा बेटी हमें जाना है, फरीजा अदा करना है, बेटी बच्चे को मेरे सुपुर्द कर दे, बेटी आगे बढ़ा रही है, बच्चा माँ की तरफ आने को तैयार नहीं है, बहनों ने कोशिश की, फूफी ने कोशिश की, बच्चा आगे नहीं आ रहा है। कहते एक मर्तबा जब सब मायूस हो गए, आका हुसैन आगे बढ़े, बच्चे के कानों में कुछ कहा, बच्चा हुमक के बाप की आगोश में आ गया। अजब नहीं, आका ने कहा ओ मेरे लाल, मेरे बच्चे, तेरा नाम महज़रे शहादत में सब है, तुझे तीरे से शोभा का निशाना होना है, तुझे दुनिया पर हुज्जत कायम करनी है लाल, तेरा काम मदीने में नहीं करबला में है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारी इस नाचीज़ सी हकीर सी इबादत अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगार गिरिया हुसैन में बुलंद होने वाली इन आवाज़ों को कुव्वत
बरकत अता फरमा। परवरदिगार जिन उलमा फुकहा मराजे तकलीद के जेरे साया मकतबे विलायत परवान चढ़ रहा है उनको जिंदा और सलामत रख, अपनी खास हिफ्ज़ो अमान में रख। परवरदिगार आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी पर अपना खास करम फरमा। परवरदिगार आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामनई पर अपना खास करम फरमा। परवरदिगार अपने वली आज़म और वली आखिर इमाम हुज्जत को इसने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा।